हाँ दोस्तों, चलिए आज न्यूज एनालाइज करते हैं द हिंदू की 18th of June 2020। आई एम प्रोफेसर आदित्य केदारी। तो इंडिया विल प्रोटेक्ट एवरी इंच ऑफ इट्स टेरिटरी सेज द प्राइम मिनिस्टर। नरेंद्र मोदी साहब ने ऐसा स्टेटमेंट इशू किया है कि हम हमारी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो चाइना का जो डेवलपमेंट है उसका पीसफुलनेस खत्म हो चुका है क्या? ऐसे एक आर्टिकल आया है। तो अगर हम चाइना को ओवरऑल देखें फिलहाल, तो बहुत ही अच्छी तरीके से इसमें उन्होंने एक्सप्लेन किया है कि COVID-19 के बाद क्या क्या हुआ चाइना में। कल के आर्टिकल में मैंने आपको एक्सप्लेन किया, 16th of June के इसमें मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि COVID-19 के बाद चाइना की जो पोजीशन है व्हेन इट कम्स टू इंटरनेशनल रिलेशंस काफी खराब हो गई है। कैसे? सबसे पहले तो अभी ओपनली डोनाल्ड ट्रंप साहब चाइना को क्लेम कर रहे हैं, ब्लेम कर रहे हैं कि भाई COVID-19 के पैंडेमिक के वजह से जो देशों को नुकसान हुआ इकोनॉमिकली, जो लोग मर गए बिकॉज ऑफ दिस पैंडेमिक, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल चाइना है। और अभी वो क्लियरली एंटी चाइना, दे आर ट्राइंग टू हैव एन एंटी चाइना प्रोटेस्ट, एंटी चाइना ग्रुप्स बनाना चाहते हैं, G7 को एक्सपांड करना चाहते हैं, उसको उसमें इंडिया को चाहते हैं, चाइना नहीं चाहते। तो ओपनली अभी देश चाइना के खिलाफ बोलने लगे। बाद में ऑस्ट्रेलिया ने भी बोला था कि इसके लिए इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए कि ये COVID-19 आया कहाँ से, अगर चाइना से आया तो इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। तो चाइना ने इमिजिएटली ऑस्ट्रेलिया के साथ के जो ट्रेड तो ट्रेड जो था वो बंद कर दिया। अब उसके पीछे COVID-19 के ऑब्वियस रीजंस है, तो उन्होंने वो ट्रेड भी बंद कर दिया ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। तो धीरे धीरे जो चाइना का पोजीशन है, और पॉलिटिकली स्पीकिंग चाइना भी काफी इकोनॉमिकली स्पीकिंग बहुत खराब हो गया है, काफी लोगों की जान चली गई है। और जो वहाँ के प्रेसिडेंट है उनकी पॉलिटिकल माइलेज, उनका पॉलिटिकल सुप्रीमेसी को अभी धीरे धीरे शॉक लग रहा है, धीरे धीरे वो सुप्रीमेसी खत्म हो रही है। तो अब क्या करें? तो अगर आप देखेंगे वो काफी काफी जगहों पे चाइना थोड़ा सा एग्रेसिव हो रहा है। जैसे कि कल ही देखेंगे कि वहां पे गलवन वैली में उन्होंने भले ही फायरिंग नहीं की, बट दे यूज आयरन क्लब्स एंड स्टोन्स, जिसकी वजह से हमारे 20 जवान मर गए। उसके बाद मैंने कल वाले वीडियो में भी आपको बताया 17 जून में कि ताइवान में एक वीक में तीसरी बार उनका फाइटर प्लेन उन्होंने ट्रेसपास किया। ताइवान की जो ये है एयर स्पेस है उसके ऊपर वो वहां पे उनको रिपीटेड वार्निंग देने के बावजूद वो अंदर गए, वापस आ गए। तो ये एक तरीके का एग्रेशन है ताइवान के खिलाफ। मैंने बताया ताइवान ऑलवेज डिक्लेयर दैट हम एक सोवरेन स्टेट है, लेकिन चाइना हमारे सब हमेशा बोलते कि उनकी सोवरेनिटी हमारे अंडर है। अब इसका मतलब ही कुछ वियर्ड है, मतलब अब हम क्या बोले कि इवन दो वो सोवरेन है लेकिन हम उसको रेगुलेट कर सकते हैं, ऐसा चाइना का मानना है। तो वहां पे भी एक वीक में 3 बार चाइना के फाइटर प्लेन गए और वापस आए। उसके बाद अगर आप बात करेंगे कि चाइनीज वेसल्स जो शिप्स हैं दे एंटर द वाटर्स ऑफ मलेशिया एंड वियतनाम, तो मलेशिया और वियतनाम में जो सी है उसके ऊपर चाइना का क्लेम है कि दैट सी बिलोंग्स टू देम। तो मलेशिया वियतनाम इज नॉट हैप्पी विद दैट, कि उनका वो जो टेरिटरी है उसके ऊपर उनका डिस्प्यूट है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि वहां पे ऑयल रिजर्व्स हैं। उसके बाद जापानीज फिशिंग बोट को भी उन्होंने वहां से, चाइनास का जो कोस्टल गार्ड शिप है उन्होंने चाइनीज फिशिंग बोट को अपने वाटर जो है, जो उनके बीच में जो कोस्ट लाइन है उनको भगा दिया जापानीज फिशिंग बोट्स को, कह के कि ये एरिया हमारा है, दिस वाटर्स बिलोंग्स टू चाइना, दिस सी, दिस ओशन, दिस पार्ट ऑफ द बेल्ट, कोस्टल बेल्ट बिलोंग्स टू अस। जापानीज बोट्स को भगा दिया। तो ये हमारे साथ बॉर्डर डिस्प्यूट, इन देशों के साथ ओशन डिस्प्यूट, सी डिस्प्यूट, चाइना सी हो गए, ईस्ट चाइना, वेस्ट चाइना सी, इसके ऊपर डिस्प्यूट चल रहा है विद मलेशिया, विद वियतनाम, विद जापान, विद इंडिया। हमारे इंडिया में तो गलवन वैली लद्दाख में है ही, लेकिन सिक्किम, नॉर्थ सिक्किम में भी ये प्रॉब्लम हो रहा है। हर किसी के साथ कोई ना कोई तो प्रॉब्लम चल रहा है। और ये ज्यादा एग्रेसिव हो गए हैं दिखाने के लिए अपने लोगों को कि वी आर वरीड अबाउट आवर टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, लोगों का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा मुझे लग रहा है कि COVID-19 का अभी वो जो है वो हटा के टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स, ये अब US ने भी स्टेटमेंट दिया कि चाइना एंड इंडिया शुड रिजॉल्व द बॉर्डर डिस्प्यूट्स इन अ पीसफुल मैनर। ये बताने की जरूरत नहीं है, हम लोगों को उतनी अक्ल है कि इट हैज टू बी डन पीसफुली। बट स्टिल US जैसा उसने ना घुसेड़ी दी डोनाल्ड ट्रंप ने कि भैया पीसफुली सॉर्ट आउट करो। तो हांगकॉन्ग में भी अभी उन्होंने एक नया लॉ पास करा है, नेशनल सिक्योरिटी लॉ, जिसके वजह से एक्स्ट्राडिशन काफी आसान हो जाएगा। एक्स्ट्राडिशन मतलब किसी भी क्रिमिनल को हांगकांग से चाइना में शिफ्ट कर सकते हैं। तो ये इनका मानना है कि इस लॉ का, हांगकांग के लोगों का ये मानना है कि इस लॉ का गैर फायदा उठा के बहुत सारे जो प्रो डेमोक्रेसी हैं पॉलिटिकल लीडर्स
उनको पकड़ के एक्सट्राडिट करके चाइनीज लोग, चाइनीज गवर्नमेंट उनको सजा दे सकती है। तो हांगकांग के खिलाफ भी ये जो लॉ के खिलाफ पिछले साल काफी एंटी लॉ, ये जो एंटी नेशनल सिक्योरिटी लॉ प्रोटेस्ट हुए थे, प्रो डेमोक्रेसी प्रोटेस्ट हुए थे, एंटी चाइना प्रोटेस्ट हुए थे हांगकांग में। तो हांगकांग, ताइवान, जापान, मलेशिया, वियतनाम, इंडिया, ये और ये एग्रेसिवली आगे आ रहे हैं, बहुत बहुत एग्रेशन दिखा रहे हैं। एंड बीइंग सच अ बिग कंट्री, हैविंग सच अ बिग आर्मी एंड न्यूक्लियर आर्सेनल, एक बिग ब्रदर की पोजीशन है उसकी एशिया में, तो डरते हैं जापान, मलेशिया, वियतनाम, इवन इंडिया भी अगर आप देखेंगे तो ऑल दो वी आर केपेबल टू फाइट विद चाइना, बट विद रिस्पेक्ट टू द मिलिट्री माइट चाइना का ज़्यादा है, कितना भी बात करें। एंड दिस इज नॉट द सिचुएशन टू टॉक अबाउट वॉर, बिकॉज कोविड-19 की वजह से ऑलरेडी हमारा देश सफर कर रहा है, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली और सोशली भी लोग मर रहे हैं, और नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट टेरिटोरियल इंटीग्रिटी जो इंपॉर्टेंट है, लेकिन दिस इज नॉट द टाइम फॉर पॉलिटिक्स। चाइना शुड स्टॉप दिस एग्रेसिव स्टैंड टूवर्ड्स अदर कंट्रीज। थोड़ा सा कोलैबोरेट करके चाइना ने सबके साथ एक अच्छे से रिलेशन मेंटेन करके करना चाहिए, बट हमेशा चाइना इज दैट एग्रेसिव नेशन विच ट्राइज टू शो दैट दैट सारी टेरिटरी उनकी है। कल तो बोलेंगे यूएस भी हमारा है, क्या पता, चाइना का कोई गारंटी नहीं। इसके लिए अभी डोनाल्ड ट्रंप डायरेक्टली बोलते हैं कि एंटी चाइना हम ग्रुप बनाएंगे और इनके खिलाफ खड़े रहेंगे, हम सब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, इन्वेस्टमेंट सब चाइना से निकाल के दूसरे देशों में करेंगे, जो कि और इंडिया को अल्टरनेटिव देखा जा रहा है, विच इज अ गुड थिंग फॉर इंडिया, बट इन द लॉन्ग रन वी हैव टू, जैसे मैंने बोला, वी हैव टू कीप नॉन अलाइंड, वी हैव टू बी नॉन अलाइंड, नाइदर प्रो एंटी चाइना नाइदर प्रो यूएस, वी हैव टू बी नॉन अलाइंड। जिससे भी हमारा फायदा है, जिससे हम दूसरों को फायदा करा सकते हैं, वो हमने देखना चाहिए। ऑलराइट, तो काफी अच्छा आर्टिकल था जो एक ओवरव्यू दे रहा है चाइना की पॉलिटिकल सिचुएशन पे। उसके बाद आरोग्य आरोग्य सेतु, जैसे बहुत सारे लोगों को बोला कि मैंडेटरी है, स्पेसिफिकली ऑल एम्प्लॉयज हैव शुड हैव आरोग्य सेतु इन योर मोबाइल्स, भले वो ठीक से काम करे ना करे, लेकिन अब पता नहीं, ठीक, मेरे पास भी आरोग्य सेतु है लेकिन वो ठीक से काम करता नहीं है। तो उसके अंदर ये ई फार्मेसी कंपनीज अपना एडवर्टाइजमेंट डालने लगे कि आप हमारे वेबसाइट से ऑर्डर करिए मेडिसिन वगैरह वगैरह, तो कोर्ट ने बोला कि ये जो वेबसाइट्स है इनके आप एडवर्टाइजमेंट्स आरोग्य सेतु पर नहीं कर सकते। तो ये अच्छी बात है, आरोग्य सेतु इज फॉर द सेफ्टी ऑफ द पीपल, इसमें भी आप पैसा कमा रहे हो, मतलब हाउ अपॉर्चुनिस्टिक यू कैन बी। तो ऐसा मत करिए, दिस इज अ टाइम फॉर थिंकिंग टू कम टुगेदर एंड टू हेल्प ईच अदर इन अ सिचुएशन ऑफ क्राइसिस एंड नॉट थिंक एज अ अपॉर्चुनिटी टू अर्न मनी, बट देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल हैविंग डिफरेंट मेंटालिटी। तो ये उन्होंने हाईकोर्ट ने बैन कर दिया है। उसके बाद आपको मैंने नॉर्थ कोरिया वॉज टू रीडिप्लॉय ट्रूप्स इन डीमिलिटराइज जोन। तो साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया के जो ऑफिस था बॉर्डर पे, मैंने कल ही बताया, उसको उड़ा दिया है नॉर्थ कोरिया ने, बॉम्ब डाल के उस बिल्डिंग को उड़ा दिया। और वहाँ पे अभी नॉर्थ कोरिया ने ये मानना है कि जो डीमिलिटराइज होने उसमें हम फिर से हमारे मिलिट्री खड़ा कर देंगे। मैंने बोला अभी नॉर्थ कोरिया में भी इलेक्शन होने वाले हैं, सो यूनिफिकेशन ऑफ कोरिया के खिलाफ खड़े हुए हैं, डी न्यूक्लियराइजेशन के खिलाफ खड़े हो गए हैं, यूएस के साथ बात करने के लिए रेडी नहीं है, साउथ कोरिया को सुन नहीं रहे हैं। और उसका ये मानना है कि जो लीफलेट्स हैं दे आर डूइंग एंटी नॉर्थ कोरिया प्रोपोगंडा साउथ कोरिया स्प्रेड कर रहा है, जो कर भी रहा होगा, बिकॉज अभी नॉर्थ कोरिया का ये स्टेटमेंट आया, अब तक साउथ कोरिया से बोला जा रहा है कि ऐसा कुछ भी हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन अब एविडेंस उनके पास लीफलेट्स है, वो कहाँ से आ रहे हैं वी डोंट नो। तो अभी वो फिर से ऐसा बोल रहे हैं, वो मतलब दे आर स्टिल प्लानिंग। अब कल की न्यूज़ आ जाएगी कि उन्होंने अपनी मिलिट्री वहाँ पे डिप्लॉय कर दी, तो वो अलग सी न्यूज़ आ जाएगी। तो अगर आप देखेंगे जब से इलेक्शंस डिक्लेयर हुए हैं तब से ये धीरे धीरे कि फर्स्ट ऑफ ऑल यूएस को चुप कराया, साउथ कोरिया को चुप कराया, ऑफिस उड़ा दिया, अब मिलिट्री वहाँ पर खड़ा करेंगे, अगेन दे विल हैव सम मिसाइल का टेस्टिंग करेंगे, बोलेंगे हम हमारे एरिया में टेस्ट कर सकते हैं। दिस इज ओनली फॉर पीपल टू थिंक कि हमारा कंट्री, हमारा पोलिटिकल लीडर इज द बेस्ट, और उसको लोग वोट करेंगे। उसके बाद फिर से यूएस के साथ अच्छे से बात करेंगे, साउथ कोरिया से अच्छे बात करेंगे, क्या पता ऑफिस फिर से रिकंस्ट्रक्ट कर दे, यू नेवर नो। बीजिंग फियर्स सेकेंड वेव ऑफ वायरस। तो अभी फिर से मैंने जैसे बोला पिछले 2 दिनों से बोल रहा हूँ कि चाइना में फिर से कोविड-19 के केसेस बढ़ने लग गए हैं, अगेन दे आर स्केर्ड। उसके बाद ट्रंप, डोनाल्ड ट्रंप साहब ने एक पुलिस रिफॉर्म को साइन किया है ऑर्डर। अभी फिर रिसेंटली मैंने आपको बोला कि एटलांटा के जो चीफ, एटलांटा इज अ स्टेट इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, तो एटलांटा के जो चीफ थे उन्होंने रिजाइन कर दिया क्योंकि उनके एक सबॉर्डिनेट ने एक ब्लैक आदमी को गोली मार के मार दिया फिर से। और ये जॉर्ज फ्लॉयड, जो ब्लैक लाइफ मैटर मूवमेंट चल रही है उसके लिए उन्होंने बोला कि पुलिस रिफॉर्म्स होने बहुत जरूरी है, द पुलिस हैव टू बी सेंसिटाइज, यू कैनॉट हैव दिस रेशियल एलिमेंट इन द पुलिस, बिकॉज अगर ऐसा होता रहा तो लोग मरते रहेंगे, स्पेसिफिकली कलर के हिसाब से, रेस के हिसाब से नहीं होना चाहिए। तो साइन तो कर दिए, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप साहब ने
ब्लैक लाइव्स मैटर के बारे में एक भी शब्द नहीं बोला है. सो दिस न्यू ऑर्डर डिस्करेजेस यूज ऑफ चोक होल्ड्स, क्रिएट्स डेटाबेस ट्रैकिंग मिसकंडक्ट. तो ये जो चोक होल्ड करते हैं, जहाँ पे यू नो रास्ता बंद करके लोगों को रोक के उनको मारपीट करते हैं पुलिस वाले, और एक डेटाबेस भी बनाएंगे जिसके अंदर जो पुलिस ऑफिशियल ने किसी के साथ मिसकंडक्ट किया तो उनका एक डेटाबेस क्रिएट रहेगा, उनकी फाइलिंग की जाएगी और उनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन प्रोसिक्यूशन होगा. इट्स अ गुड स्टेप फॉरवर्ड, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसा होता है वो देखना पड़ेगा. नाउ फेसबुक एम्स टू बूस्ट वोटर टर्नआउट इन यूएस पोल्स. तो अभी फेसबुक ने एक वोटिंग इंफॉर्मेशन सेंटर चालू कर दिया है. अभी ये सोशल मीडिया इज वेरी गुड टूल टूडे टू हैव इलेक्शंस एंड ब्रेन वॉशिंग पीपल. ठीक है, जैसे सोशल मीडिया को बहुत अच्छी तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं पोलिटिकल पार्टीज इन इलेक्शन स्पेसिफिकली टू मेक अ गुड परस्पेक्टिव अबाउट देयर पोलिटिकल पार्टी एंड बैड परस्पेक्टिव अबाउट द अपोजिशन पार्टी. तो ये अभी फेसबुक से पॉलिटिकल एड्स को ब्लॉक कर दिया गया है. फेसबुक ने सारे पॉलिटिकल एड्स ब्लॉक कर दिए हैं. उन्होंने एक वोटिंग इन्फॉर्मेशन सेंटर, जहाँ पे उस सेंटर पे अगर आप जाओगे तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि कौन सा कैंडिडेट है, उसके एजुकेशनल, उसके क्रिमिनल रिकॉर्ड, एजुकेशनल रिकॉर्ड, उसका उसने क्या क्या काम किए उस स्टेट में या अपने 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 करियर में, वो सारा सारा मेंशन किया होगा. तो लोगों को एक इन्फॉर्म डिसीजन लेने में हेल्प होगी. तो अगर इसको एक नॉन बायस्ड और एक अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाएगा तो ये सक्सेसफुल हो सकता है, क्योंकि आज के डेट में मेजोरिटी ऑफ द लोग फेसबुक पे, एटलीस्ट अमेरिका में, इंडिया का तो मैं नहीं बोल सकता लेकिन मेजोरिटी लोग जो अमेरिकन है फेसबुक पे, तो दे कैन यूज दिस वोटिंग इन्फॉर्मेशन सेंटर टू हैव अ इन्फॉर्म डिसीजन एंड अकॉर्डिंगली दे कैन वोट इन द इलेक्शन इन यूएस विच आर गोइंग टू कम, आने वाले हैं. डिस इन्फेक्शन टनल टू प्रोटेक्ट पुतिन फ्रॉम वायरस. तो एक टनल होगा, उस टनल से आपको जाना होगा जहाँ पे आप पे स्प्रे मारा जाएगा, आपको डिसैनिटाइज किया जाएगा, आपको उन्हें सैनिटाइज किया, आपको उसी के बाद आप उन पुतिन साहब को मिल सकते हो ताकि पुतिन साहब को कोरोना ना हो. ऑलराइट, तो ये डिसइन्फेक्शन टनल बनाने वाले हैं पुतिन साहब के लिए. तो ठीक है, कुछ न्यूज़ है टू प्रोटेक्ट हिम फ्रॉम कोरोना वायरस. क्या पता कल मोदी साहब को मिलने के लिए एक टनल बन जाए. एक्सट्रैडिशन टू चाइना अ पॉसिबिलिटी विथ हांगकांग लॉ. तो मैंने बोला अभी जो नेशनल सिक्योरिटी लॉ है उसे एक्सट्रैडिशन पॉसिबल किया है, इस लॉ को पास करने वाले हैं, जिससे दे बेंजिंग इज थिंग सेट स्टेबिलिटी मेंटेन रहेंगे हांगकांग और चाइना के बीच की. क्योंकि चाइना का भी ये मानना है कि जो चाइनीज लोग हैं वो क्राइम करते हैं या हांगकांग के लोग आते हैं चाइना में क्राइम करके फिर से हांगकांग में भाग जाते हैं, तो उनको हम एक्स्ट्राडिट नहीं कर पा रहे हांगकांग से. ऐसा चाइना का मानना है कि अगर आप हमारे चाइना में आके अगर आप क्राइम करते हो तो यू शुड बी प्रोसिक्यूटेड इन चाइनीज कोर्ट. हांगकांग का ये मानना है कि ये लॉ अगर पास हो जाता है तो हमारे जो हांगकांग के प्रो डेमोक्रेसी के जो लीडर है उनके खिलाफ फेक केसेस चाइनीज गवर्नमेंट चालू करेगा, लागू करेगा, और उन लोगों को चाइनीज गवर्नमेंट जाके उनको पनिश करेगा ताकि हमारे यहाँ पे डेमोक्रेसी सिर्फ नाम के लिए रह जाए. तो दोनों कंटेंशन है, तो देयर हैज टू बी अ डिप्लोमेटिक टाई अप, डिप्लोमेटिक टॉक्स बिटवीन हांगकांग एंड चाइना, एंड दे शुड रिसॉर्ट द इशू. और ये नेशनल सिक्योरिटी लॉ को एक अमेंड या मॉडिफाई करके ऐसा बनाया जाए कि दोनों, चाइना और हांगकांग दोनों इससे खुश रहे. थैंक यू गाइज, आज ज़्यादा न्यूज़ थी नहीं 18 जून को, तो आई थिंक मैंने सारे जो मेजर पॉइंट ऑफ जो न्यूज़ थी मैंने वो कवर कर ली. आई थिंक यू लाइक द कंटेंट, आपको वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर द चैनल. आपके कोई भी डाउट्स होंगे विद रिस्पेक्ट टू करंट अफेयर्स एंड यूपीएससी इन जनरल इंक्लूडिंग एनी अदर टॉपिक लाइक पॉलिटी, सोशोलॉजी, एनीथिंग, आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं. आप शेयर करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए, उससे मैं मोटिवेट होता हूँ एंड आई रेगुलरली कीप ऑन अपलोडिंग द वीडियो विद रिस्पेक्ट टू द हिंदू करंट अफेयर्स एंड यूपीएससी ऑल्सो. Thank you, Professor Aditya Kedari, signing out.